किलो गोश्त लिया है बेटा मैंने। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी आपको कि मैंने दो आलू लिए हैं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हैं। ये मैंने उबाल के इसको मैंने किया है गोश्त शेप में। ये कहाँ इस्तेमाल होंगे बाद में बताऊंगी। पाव से ऊपर, डेढ़ पाव के करीब से कुछ कम, डेढ़ पाव से कुछ कम टमाटर है, दिखाने के लिए ये रखे हैं। काटने के बाद ये इतनी ही प्याज मैंने डेढ़ पाव लिए, एक किलो में डेढ़ पाव प्याज जाते हैं, एक किलो में डेढ़ पाव इसको मैंने ये आपको दिखाने के रखा। ये मैंने इसको स्लाइस कर लिए। अच्छा बेटा अब आ जाएं आप ऑयल की तरफ। ऑयल ज़रा सा अगर इससे ऊपर भी इस्तेमाल हो तो बता दूँ, मेरा इतना तो होना ही होना है। हाफ इसको थोड़ा सा जाऊँ, हाफ से कम जाएगा फ्राई होने में, फिर प्याज के फ्राई होने में दो जगह इस्तेमाल होगा। ये 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 4 अदद इलायचियाँ छोटी वाली हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10 अदद काली मिर्चें और 5 लौंगी। ये मैं इसमें कूटूंगी बेटा, कूटने के बाद यह इसमें जाएगी। नमक जाएगा 1 चम्मच जाएगा, अदरक और हरा धनिया गार्निश। कितना कितना लिया मैं आपने? ये हरा धनिया आधी गड्डी है, अदरक जो है 1 इंच का बड़ा टुकड़ा लिया था, उसको लंबा लंबा काटा है, काटने के बाद 1 इंच के टुकड़े का वो बारीक कर लिया है वो। अब चलिए आइए चलते हैं चिकन धोने की तरफ। मानी रही ये धुली भी है आपको दिखाने के लिए कि मैं वैसे भी धुली हुई भी चिकन दोबारा धोती हूँ। कुछ अगर 19-20 हो गया है, रह रहा गया हो तो चलो मैं उसको भी निकाल दूँ। ये साफ सुथरी बिल्कुल चिकन है, धुली धुलाई है, लेकिन फिर भी उसको मैं साफ करूँगी, देखूँगी कुछ रह रहा नहीं गया हो। उसको मैं आपके सामने धो रही हूँ, एक एक पीस हाथ में लेके अलग अलग करके। गोश्त मैंने चिकन का लिया है, इसमें गर्दन वगैरह भी है बेटा, साइडों की पसलियों का भी वो है, बड़ा अच्छा रहता है हिसाब किताब। मैंने जरा सा लिया है मिक्सिंग हड्डियों वाला में मुकम्मल तैयार हो, वो पानियों से निकाल लिया। चलिए बेटा चलते हैं हड्डी की तरफ। आज मैं जरा सा 2 चूल्हे इस्तेमाल करूंगी कुकिंग के लिए, ताकि तैयारी जो है वो सही और कम वक्त में हो जाए। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें डालेंगे हम ऑयल। कितना में? इसमें ऑयल वो ही जाएगा जो मैं बताती हूँ हमेशा, 2 चम्मच। पता है इसमें सुबह ज़रा ज़्यादा होता है, तो 2 चाय के जो जाएंगे भरे हुए इसमें जाएंगे, और ये 4 ही चम्मचों का है नाप हमारा, और 2 इसमें जाएंगे। समझ में आ गई?
इसमें प्याज बनेगी, इसमें और मुर्गी फ्राई होगी अभी आपके सामने। मैं आपके सामने चिकन डालूंगी इसमें। देखिए मैंने इसमें चिकन शामिल करी है। चिकन शामिल करने के बाद इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक, इसकी होगी भुनाई। उस दौरान मैं यहाँ प्याज डालूंगी, प्याज फ्राई होगी, आधी से ज़्यादा ब्राउन होगी, दोनों चीज़ें होगी। इस चिकन को जब फ्राई हो जाएगी, देखिए लहसुन अदरक डाल देंगे मैं सारा। जब ये चिकन फ्राई हो जाएगी बेटा, तो मैं इसको इसमें शामिल करूँगी, इसको मैं बिल्कुल फुल भूनूंगी, खूब अच्छा भून के निकालूंगी इसको। और इसमें इधर मैं शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज, प्याज भी टाइम लेती है, इतनी देर में ये फ्राई करके दो चूल्हे मौजूद है। अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसको मैं भून रही हूँ। और इधर हमारी प्याज हो रही है, प्याज जैसी हो जाएगी चिकन इसके अंदर। प्याज कितनी रखी है अम्मी आपने? ये प्याज कितनी रखेंगी? 1.5 पाव प्याज है अम्मी। कितनी रखी? इस तरह की करूँगी, ये रेड से कुछ कम, बिल्कुल ब्राउन होने से कुछ कम। काला हो जाता है ब्राउन, टेस्ट खराब होता है, अच्छा नहीं होता। तो मेरा एक सवाल है, अगर मुर्गी पहले रेडी हो गई तो आप क्या चूल्हा बंद कर देगी? इसका ये रेडी पहले होगी नहीं, और अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या फ्लेम ऑफ कर देगी? हाँ बिल्कुल, फ्लेम ऑफ करके फिर इसमें कन्वर्ट करूंगी, रेडी होगी नहीं। तो इससे इस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा मुर्गी पे? हाँ नहीं नहीं, क्यों पड़ेगा बेटा, घूम के करें। बताइए आप लोग मुझसे सवाल करें, मजे मजे ऐसे वाले जो समझ में आए कि इसको आप अलग अलग क्यों पका रहे हैं, ये पूछो मुझसे बेटा। इससे अलग अलग क्यों पका रहे हैं? इसलिए अलग अलग के लहसुन मुर्गी में होती है सिसैन, ये पकता है जल्दी। प्याज के छोड़ दिया अपना पानी, चिकन अपना पानी छोड़ता है तो लहसुन अदरक सही से इसके अंदर नहीं जा सकता। खुशबू जो है वो खाना खाओगे उंगलियाँ और हाथ जब जाएंगे तो सिसैन आएगी हाथ में। अलग अलग फ्राई होकर डालेगा ये, और ये पता नहीं मैंने मेरा नहीं है, ये मेरी अम्मी फरखाबाद से रिलेट करती, मेरी अम्मी ये ऐसा स्टू बनाती थी। ये बिल्कुल अलग है स्टू, कई तरह के बनते हैं। एक सौंग के भी चढ़ता है स्टू, एक में दही भी डलता है स्टू के अंदर, उसमें हल्दी भी डलती है, चार पांच तरह के स्टू बनते हैं। ये मैं वो बता रही हूँ जो मेरे आबाओ अजदाद, वही मैं फिर कहूँगी जो वो बनाते थे, जैसे मेरी अम्मी बनाती थी तो वो मुर्गी भी और गोश्त भी इसी तरह भुनवा के डलवाती थी। उसके अंदर सोख कर जाता है, अंदर घुस जाता है बोटी के अंदर लहसुन अदरक, तो खुशबू आती है, खाने में भी मज़ा आता है। अमूमन मैंने देखा बहुत अच्छी अच्छी लोग खाना पकाते हैं, बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा चावल भी जनाब बिरयानी में, हर चीज़ हो रही है, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है सिसैन आ रही, लहसुन अदरक की मिकदार कम रखी जाती है। लहसुन अदरक के थोड़ा थोड़ा होना प्याज शुरू हो गई है, अभी प्याज अभी होना थोड़ा थोड़ा, मैंने इसको करना है 300 के करीब, यानी 100 में से इसको 80% मैंने तैयार करना प्याज को। उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी, फिर और इन्ग्रीडियंट डालूंगी, फिर टमाटर डाल के 2 से 3 मिनट मैं इसको दम पे हल्का सा के ताकि टमाटर गल जाए, और भून लूँगी स्टू तैयार। बहुत आसान रेसिपी, बहुत आसान और बड़ी मज़ेदार। गोल्डन ब्राउन गोश्त हो गया, उधर प्याज तैयार हो गई हमारी, देखें प्याज में आ जाए, प्याज तैयार हो गई हमारी। प्याज आप इतनी रखनी है जी, आपको मैंने बताया था ना 80% 80% हो गई है, ज़्यादा करेंगे काला नहीं, हांडी काली नहीं करनी है,
ना टेस्ट खराब करना है, ये बिल्कुल फुल बनी होगा और मैं जैसा पिस के जाती है वो चीज़ ये तैयार होगी प्याज। अच्छा मुझे कुछ ये लग रहा है कि कढ़ाई ज़रा खुला हो जाएगी, तो मैं बजाय इसमें डालने के इसमें डालूंगी प्याज को, डाल देंगे मैं माफ करती हूँ। क्या जाएगा इसमें जाएंगे और इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जाएगा इसमें साबुत धनिया, ठीक है, ये जाएगा सॉल्ट, नमक और ये देखिए बेटा कुटी हुई मिर्च है। अब इसको हम चलाएंगे एक मिनट, एक मिनट चलाने के बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे पूरा एक डेढ़ एक मिनट बस इसको हम घुमाएंगे। बड़ी मजेदार चीज तैयार होगी बेटा, खुशबू या खुशबू हो रही बेटा, हम अपने आवाज से तो आपको बता नहीं सकते ना खिला सकते हैं, बस आप इसीलिए बताती हूँ कि बच्चे बच्चे अपने घर में बना सके। चिकन तो भुनने भुनने में ही गल गई है, बस अब इसमें हम डालेंगे बेटा क्या डालेंगे, एक मैंने ये रखा ये बाद में डालूंगी सबसे आखिर में, ये जो आपके सामने इलायचियाँ ये आप देख सकते हैं बड़ी इलायची ये सब ये मैं कूट के डालूंगी आखिर में, इसको मैं कूटूंगी। और मैंने डालना है टमाटर, ये इसमें गए बेटा ये शामिल हुए। अब आपको इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं 2 मिनट 3 मिनट से ढकूंगी, इसका छिलका नरम होगा और मैंने इसको गरम मसाला डाल के ये मैंने थोड़ा सा ही मसाला ऊपर डाल के और उसको मैं डिशॉप करूँ। इतना आसान है इसको, उतना ही लजीज है। अच्छा ये आप कूटने के बाद एंड में डालेंगी? जी एंड में डालूंगी, अभी 3 मिनट के लिए आप इसको? हाँ बस 3 मिनट के लिए इसको मैं धीमा चूल्हे में, धीमा चूल्हे में 3 मिनट के लिए मैं धीमा चूल्हे पर रखूंगी इसको बेटा। लहरा मान गई, आए आलू ने कुछ अच्छा खासा पानी छोड़ दिया। ओहो इसको मुझे भूनना पड़ेगा, ये भुनेगा उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा ये बस भुनने की तरफ जा रहा है, ये भी 1 मिनट और लेगा तकरीबन, ये तैयार हो जाएगा। मैं इसको डिश आउट करूंगी और उसमें डालूंगी अभी, हाँ ये डालना है मैंने बेटा, ये कूटा है मैंने, दिखाइए क्या कूटा आपने, ये जो मसाला था गरम मसाला वगैरह खाना जी इलायची वगैरह वो कूट ली है, ये कूट के डाल रही बेटा लास्ट में डरता है खुशबू आती है बेटा, कह रही है ना इसको कई तरह के बनते हैं, ये फरखाबादी इसको है, मेरी मदर बनाती थी उन्होंने मुझे सिखाया था बेटा, ये मैंने मेरी अम्मी बनाया करती थी फरखाबाद का ये स्टू है। मैंने देखे बिल्कुल रेडी होने वाला है, ऑयल छोड़ने वाला है, तैयार होगा। मैं इसको आपके सामने ही इसका फ्लेम ऑफ करूंगी फिर इसको डिश आउट करूंगी। देखिए बिल्कुल अभी ऑयल छोड़ने वाला है, ये इसको तैयार तकरीबन रेडी हो गया, तकरीबन रेडी ए बस देखें तैयार ही। कढ़ाई में आप देखें ऑयल छोड़ना शुरू हो गए, इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं, बस ये वन फ्लेम ऑफ कर रही हूँ रेडी हो गया है, डिश ऑफ करते हैं। देखें कितना प्यारा तैयार हुआ है स्टू, खुश रंग
कुछ जायका भी है बेटा, जब आप बनाएंगी पकाएंगी खाएंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या आपने खुद ही तैयार, अपनी ही चीज़ को आप कहेंगी कि कितनी अच्छी तैयार हुई है। बेटा ये मैं इसको गार्निश करने के लिए आलू, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं, ज़रा अच्छा लगता है, तो ज़रा हम इसी तरह से सजाते हैं और सजा के बच्चों ने खाना हो, बच्चों को कोई ना कोई मेहमानों को जब सर्व करते हैं ये बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह ही इसको थोड़ा गार्निश कर रही हूँ मैं आपके सामने। आलूओं को काटा है, थोड़े उससे उबाले हुए आलू हैं ये, वो आलूओं को सजाया है। बस आप देखिए ये रेडी है। सही, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अदरक डालेंगे, अदरक सजावट हो जाएगी। बेटा नान से खाएं, चपाती से खाएं, आप कुछ लोग खुश्का चावल भी यूज़ करते हैं, उससे भी खाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अच्छा भाई, आप ये तैयार हो गया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें हैं, करें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेटा कमेंट्स करना ना भूलें। आपकी दुआओं की मुझे अच्छा ज़रूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपीज फॉलो कर रहे होंगे। इसके साथ ही ये मुझे इजाज़त दीजिएगा, ये ट्राई कीजिएगा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बेटा, और दुआओं में याद रखिएगा।